हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको कहते हैं बांदा। उसको जड़ी बूटी भी कह सकते हैं और परपोसी पौधा भी कह सकते हैं। इसके बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। अब बांदा है क्या? बांदा ऐसे जैसे कोई आम का पेड़ है और आम के पेड़ के ऊपर कोई दूसरा वृक्ष निकला है, तो जो दूसरा वृक्ष निकला है, चाहे पीपल का निकले चाहे इमली का निकले, वो है बांदा। बांदा का मतलब होता है जमीन पर ना निकल कर दूसरे के पेड़ से, मतलब दूसरे पेड़ पर अपना परपोषण करना, परपोसी होना, इसको कहते हैं बांदा। अब ये बांदा आपका पीपल का भी हो सकता है, कुशा का भी हो सकता है, इमली का भी हो सकता है, आंवले का भी हो सकता है, और मतलब बरगद का भी हो सकता है। तो ये बांदा जो है बहुत चमत्कारिक होता है। और आज मैं आपको जो बांदे के बारे में बताने जा रही हूँ वह कुशा का बांदा। कुशा का बांदा भरणी नक्षत्र में अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। नक्षत्र में लेकर आएंगे तो उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। अब जाने ये कि कुशा का बांदा है क्या। कुशा आप अभी जानते हैं, एक प्रकार की घास होती है। ये जो घास है किसी वृक्ष के बगल में या उसके ऊपर, बगल का मतलब उसकी जड़ से निकल आती है, यानी कि दूसरे पेड़ पर यह कुशा निकल आती है तो ये बांदा कहलाती है। ये पर पोषण अपना दूसरे पौधे से लेती है। ये आपको देखना पड़ेगा, हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं बहुत दुर्लभ होता है ये। जैसे पार्क में घूमने जा रहे हैं, कहीं आपको दिखा कि किसी पेड़ के साथ कोई घास निकली हुई है, मतलब जिसको कहते हैं कुशा, तो उसको तुरंत आप जो है हाथ जोड़कर निवेदन करके निकाल लें, उस जड़ को निकालना है। और निकालने के बाद घर पर लाकर, लेकिन कब, अगर ले भी आते हैं किसी अन्य दिन, तो भरणी नक्षत्र में इसको आप स्थापित करें, तभी ज़्यादा कारगर होगा। आपको भरणी नक्षत्र में लाकर इसको गंगा जल से छींटे मार दें, सिंदूर चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये कुशा जो है मैं आपके रूप में अपने घर में विराजित कर रहा हूँ, आप मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरे घर में सुख समृद्धि और बरकत लाना, मेरे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत करना और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मेरी अभिलाषा है कि मेरे घर में धन प्राप्ति के साधन बने और नए नए मार्ग से धन आए और मैं अपार धन को प्राप्त हूँ। ऐसा बोलकर आपको धूप दे देनी है, नैवेद्य चढ़ा देना है और दीपक जला देना है। पूरे दिन रखा रहने दें, अगर भरणी नक्षत्र है, पूरे दिन रखा रहने दें। उसके बाद शाम के समय इसको अपने माथे से लगाकर अपने ईश देवता का ध्यान करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। अब ये काम आपको यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है, आपको क्या करना है, फिर अगले वर्णी नक्षत्र का इंतजार करना है। जब अगला वर्णी नक्षत्र आए, इसको तिजोरी से निकालें, फिर वापस गंगा जल के छींटे दें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें कि हे अपने ईष्ट देवता से, कि हे ईष्ट देवता, जो भी हो आपके ईष्ट देवता, ये हर कोई कर सकता है, चाहे कोई भी जाति का हो, वो अपने ईष्ट देवता का ध्यान करके वापस इसको मतलब स्थापित करो। आपकी मनोकामना जो भी है वो सदैव पूर्ण होगी। लेकिन कुशा का बांदा बहुत दुर्लभ है। जिस घर में जिसको प्राप्त हो जाता है, समझ लो उसके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास बनकर स्थापित हो जाएंगी। लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही और बांदे हैं, जैसे कि मैंने बताया, आम का है, पीपल का है, इमली का है, आंवले का है, ये बहुत दुर्लभ होते हैं। इनको प्रोसीजर यही रहता है, सिर्फ जो है नक्षत्र का फर्क पड़ता है। आगे मैं अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको कुशा के बांधे के बताया है। इसको आपको वर्णी नक्षत्र में लाना है, विधिवत स्थापित करके अपने घर की तिजोरी में स्थापित करें और प्रत्येक वर्णी नक्षत्र पे निकालें। आप अखबार में आता देखें वर्णी नक्षत्र कब पड़ रहा है, और विधिवत धूप दीप देने के बाद वापस आप तिजोरी में स्थापित कर लें। दोस्तों, एक बार इस उपाय को करें, ये उपाय नहीं है, महा उपाय है, आपको निश्चित ही धनवान बना देगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।